आत्मकथ्य विदाई की बेला। जब मैंने स्वयं उस उपवन में विवेकी और सदा सुखी के मुख से ही उनके वैयक्तिक जीवन की समालोचना सुनी और उन्हें अपनी भूलों पर पश्चाताप करते देखा, तो मेरे हृदय में उन्हें और उन जैसे ही अन्य जनों को समझाने की भावना हुई। अतः मैंने कहा, पुरुषों की 72 कलाओं में केवल 2 कलाओं को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, एक जीविका और दूसरी जीवोद्धार। कहा भी है, कला 72 पुरुष की, तामें 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजी जीवोद्धार। जब जब इस लोकोक्ति पर दृष्टिपात करता हूँ, विचार करता हूँ, तो पाता हूँ कि अधिकांश व्यक्ति तो पहली कला आजीविका को ही अर्जित करने में ही अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं और इसमें सफल होने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। दूसरी जीवोद्धार की जो महत्वपूर्ण कला है, उस पर तो वे जीवन के अंत तक भी ध्यान नहीं देते। पर जहाँ जीविका की कला हमारी वर्तमान आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, वहीं जीवोद्धार की कला हमारे जन्म जन्मांतरों के दुखों को दूर करके सच्चा सुख प्रदान करती है। अतः जीविका से अधिक महत्व जीवोद्धार को मिलना चाहिए। मेरी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि विवेकी बोले, भाई जी, आपका कहना सच है, पर जब तक जीविका स्थिर नहीं होती, परिवार के उत्तरदायित्वों से मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक जीवोद्धार की बात सूझती ही कहाँ है। जिससे जीवोद्धार की बात करो, वही कहता है, भूखे भजन ना होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। विवेकी की इस बात को मद्देनजर रखकर मैंने कहा, यद्यपि स्थिर जीविका के बिना जीवोद्धार की बात संभव नहीं है, आजीविका की भी मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान की प्राथमिक आवश्यकताओं की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए, पर वह हमारे हाथ में है कहाँ, वह तो अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है। चींटी को कर्ण और हाथी को मण सुबह से शाम तक अपने अपने भाग्य अनुसार मिलता ही है, इसमें आदमी की बुद्धि अधिक काम नहीं आती। राजा सेवक पर कितना ही प्रसन्न क्यों ना हो जाए, पर वह सेवक को उसके भाग्य से किंचित भी अधिक धन नहीं दे सकता। दिन रात पानी क्यों ना बरसे, तो भी ढाक की टहनी में 3 से अधिक पत्ते नहीं निकलते। कहा भी है, तुष्टो ही राजा यदि सेवके प्या, भाग्यात परम नैस ददाति किंचित, अहर्निशम वर्षति वारिवाहा, तथापि पत्र त्रितयः पलाशः। यद्यपि उद्योग में उद्यम की प्रमुखता है, पर उद्यम भी तो होनहार ही का अनुसरण करता है, अन्यथा आज सभी उद्यम करने वाले करोड़पति से कम नहीं होते। आज ऐसा कौन है जो बड़ा आदमी बनने का, करोड़पति बनने का उद्यम नहीं कर रहा, पर उनमें कितने करोड़पति हो गए, जब भाग्य साथ नहीं देता तो अच्छे अच्छे बुद्धिमानों की बुद्धि भी कुछ काम नहीं करती। वैसे भी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इस उक्ति के अनुसार सबकी आजीविका तो भाग्य अनुसार पहले से ही निश्चित है। यह ना केवल लोकोक्ति है, गौमठ सार व समय सार जैसे आगम व अध्यात्म ग्रंथ भी इसका समर्थन करते हैं। अतः जीविका में ही सारी शक्ति लगा देना और जीवोद्धार को कुछ भी समय नहीं निकालना अच्छी बात नहीं है। अस्तु, यह तो सिद्धांत की बात है, कोई माने या ना माने उसकी मर्जी, हमें इससे क्या। पर सदा सुखी और विवेकी के बीच हुई बातचीत से तो स्पष्ट पता चलता था कि अब उनके सामने आजीविका की कोई समस्या नहीं रही। भले ही उन्हें आजीविका के लिए पहाड़ी इलाके में जाकर बसना पड़ा हो, पर अब वे वहां आजीविका से तो पूर्ण निश्चिंत हैं। पर्यटकों के आवागमन से उनका व्यापार धंधा यहाँ अच्छा चल निकला है। यद्यपि उन्होंने अपने इस व्यवसाय में अधिक अक्ल नहीं लगाई थी और ना ऐसा कोई भारी उद्यम ही किया था, सहज भाव से रोजी रोटी चलती रहे, बस इसी विचार से छोटी छोटी दुकानें लगा ली थी,
भाग्योदय हुआ तो उन्हीं दुकानों में वे माला माल हो गए और कल कारखाने तक खुल गए। सो ठीक ही है, तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायोपि तादृशः, सहायस्तादृशा सन्ति यादृशी भवितव्यता। जैसी होनहार होती है वैसी ही बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, उद्यम भी उसी दिशा की ओर होने लगता है, सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। ऐसे विचार से विज्ञ व्यक्ति आजीविका की अधिक चिंता नहीं करते, ऐसी विज्ञता का अभी उनमें अभाव था। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। इस लोकोक्ति के अनुसार यद्यपि सदा सुखी बाहर से सुखी दिखाई देते थे, पर वस्तुतः अंदर से वे अभी भी बहुत दुखी थे, काफी परेशान थे। जो भी सदा सुखी की तरह संयोगों में सुख की खोज करेगा उसे तो निराश होना ही पड़ेगा, क्योंकि संयोगों में सुख है ही कहाँ जो उसे मिले। संयोग में ना तो सुख है और ना दुख ही है, सांसारिक सुख दुख तो संयोगी भावों से होता है, संयोगों में इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं करने से होता है। संयोगों में वस्तुतः सुख है ही कहाँ, वह तो सुखाभास है, दुख का ही बदला हुआ रूप है। सच्चे सुख की यदि खोज की जाए तो वास्तविक सुख का सागर तो अपना भगवान आत्मा ही है, जिसकी सदा सुखी को पहचान ही नहीं थी। विवेकी बाबा जी भी दिन भर ठोकरें खाते खाते बातें तो विवेकियों जैसी ही करने लगे थे, पर अभी उन्हें भी वास्तविक विवेक की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण से वे भी संपन्न होते हुए भी सुखी नहीं थे। जीवन भर पड़ोसी रहने से उन दोनों में परस्पर अच्छी मैत्री हो गई थी, वे दोनों ही वृद्ध भी हो चुके थे, अतः उनका धंधा व्यापार और कल कारखाने तो सब उनके लड़कों ने संभाल ही लिए थे। उनका शरीर भी अब इस योग नहीं रहा था कि वे व्यापार में बच्चों का कुछ भी सहयोग कर सकें। एक दृष्टि से तो यह अच्छा ही हुआ कि अब उन्हें आत्मोद्धार करने का पूरा पूरा सुअवसर प्राप्त हो गया था, पर कोई उस शेष जीवन का भी जीवोद्धार में उपयोग करे तब ना, अधिकांश तो जीविका में ही अटके रहते हैं। यह भी पुण्य का उदय ही समझना चाहिए कि उन्हें कोई राजरोग नहीं था, पर बुढ़ापा स्वयं भी तो अपने आप में एक बीमारी है जिससे कोई बच नहीं सकता। जन्म जरा एवं मृत्यु, ये तीन ऐसे ध्रुव सत्य हैं कि जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। इनका सामना तो समय समय पर सबको करना ही पड़ता है, बस हमें तो केवल यह देखना है कि ये तीनों अवस्थाएं सुखद और सार्थक कैसे हो सकती हैं। बुढ़ापे की बीमारी से वे दोनों ग्रसित हो गए थे, शरीर क्षीण होने के साथ उनका पुण्य भी क्षीण हो चला था। जिस तरह जब सरोवर सूखता है तो सब ओर से ही सूखता है, उसी तरह जब पुण्य क्षीण होता है सब ओर से ही क्षीण होता है। सदा सुखी व विवेकी इसी स्थिति में आ चुके थे। अब उन्हें क्या घर पर और क्या दुकान पर, दोनों ही जगह दो हाथ जमीन भी गौरव के साथ बैठने के लिए नसीब नहीं रही थी। दुकान पर जाते तो बेटे घर पर आराम व स्वाध्याय करने का उपदेश देते, जब घर होते तो ना तो केवल बहू बेटियां बल्कि नाती पोते तक उन्हें भगवान का भजन पूजन करने और प्रवचन सुनने का व सत्संग करने हेतु तीनों समय मंदिर जाने की सलाह दिया करते थे। उनके परिवार में किसी को उनके आराम व कल्याण की किंचित भी परवाह नहीं थी और न स्वयं परिजनों को भी भगवान के भजन पूजन स्वाध्याय व सत्संग से कोई सरोकार था। उन्हें तो केवल उन बूढ़ों की घर व दुकान पर उपस्थिति अभीष्ट नहीं थी, क्योंकि एक तो किसी भी काम में उनकी टोका टोकी पसंद नहीं थी और दूसरे दुकान में जगह की कमी तो थी ही, अतः बिना काम व्यर्थ में ही कोई थोड़ी सी जगह भी क्यों घेरे। तीसरी मुख्य बात यह थी कि बहू बेटियां व नाती पोते अपने स्वच्छंद आचरण में उन्हें बाधक मानते थे, अतः वे उन्हें आंख की किरकिरी की तरह खटकने लगे थे।
इस तरह घर व दुकान दोनों जगह से उपेक्षित भी दोनों अपने अपने घर के बाहर बरामदों में बैठे बैठे ऊब भी जाते थे। अतः शाम होते ही उनका सैर सपाटे का मन होना स्वाभाविक ही था। सो शाम होते ही वे मन बहलाने और जी हल्का करने के लिए उसी उपवन में पहुंच जाते। यद्यपि सदा सुखी और विवेकी को रहीम कवि का यह दोहा बहुत अच्छी तरह याद था, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठिले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। विवेकियों को अपने मन की व्यथा अपने मन में ही रखनी चाहिए, हर किसी से कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों से कहने से कोई लाभ नहीं होता। अपनी व्यथा को ना तो हर कोई समझ ही सकता है और ना कम ही कर सकता है। जिससे भी हम अपने दिल का दुख दर्द कहेंगे वह या तो राग द्वेष व अज्ञानतावश हमारा ही दोष बताकर हमें और अधिक दुखी कर देगा, या फिर हमें दीनहीन दुखी मुसीबत का मारा मानकर दया दृष्टि से देखेगा। हमारी और हमारे परिवार की कमजोरियों को यहाँ वहाँ कहकर बदनाम भी कर सकता है और हमारी कमजोरियों का गलत फायदा भी उठा सकता है। इन सब हानियों को जानते हुए भी उनसे रहा नहीं जाता था, क्योंकि परिवार की उपेक्षा से उनका मन दिन भर में इतना बोझिल हो जाता कि उन्हें आपस में अपना दुख सुख कहे बिना चैन नहीं पड़ती। उन्हें ऐसा लगने लगता था कि यदि वे अपने मन के गुब्बार नहीं निकालेंगे तो कहीं पागल ना हो जाए। अतः वे शाम को घूमने फिरने के समय अपने अपने मन की बातें कहकर मन हल्का कर लिया करते थे। यदि उनके बेटे बहुओं में कोई जरा भी समझदार होता तो संभवतः स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती कि उन्हें घर की बात बाहर कहने को मजबूर होना पड़ता। भले ही वे पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं थे, पर निरे बुद्धू भी नहीं थे, बल्कि वे बुद्धिमान थे, समझदार थे, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, अतः लौकिक दृष्टि से अनुभवी भी हो गए थे। व्यक्ति विद्वान ना हो तो भी बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि विद्या अर्जित ज्ञान को कहते हैं और बुद्धि जन्मजात प्रतिभा को, जो उनमें थी, अन्यथा वे अपने जीवन में इतनी उन्नति कैसे कर लेते। इस कारण उनकी सभी बातें कोरी गपसप नहीं होती थी, बहुत सी बातें दूसरों के लिए बहुत उपयोगी, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक भी होती थी। वे कभी कभी धार्मिक चर्चा भी छेड़ दिया करते थे, पर उनकी धार्मिक चर्चा तत्व ज्ञान से शून्य होने के कारण अधूरी होती थी। इस कारण जब तक मैं वहाँ रहा, प्रतिदिन उनके खट्टे मीठे अनुभवों को सुनने तथा उनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से वहाँ नियम से जाता रहा, जहाँ भी बैठकर बातें किया करते थे।